4, Shri Ramesh Bhai. Question number 184. Honorable Minister. Madam, A to F, an answer is laid on the table of the House. पहला पूरक प्रश्न पूछे. अध्यक्ष महोदय, पहले कहावत थी कि कोयले के धंधे में हाथ काला होता है, लेकिन आज कोयले के धंधे में गाल लाल हो रहे हैं. मैंने सीधा सीधा प्रश्न पूछा था कि गम क्या सरकार का ध्यान कोयला ब्लॉकों के आमंटन में अनियमितताओं की ओर ध्यान गया है. मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि जी नहीं, जबकि लगातार समाचार पत्रों में छपते रहा कि कोयले के आवंटन में गड़बड़ी हुई है. कई उद्योग लगे नहीं हैं, उनको कोयला ब्लॉक आवंटन हो चुका है. और हम प्रश्न के जवाब में देता है जी नहीं, आज पूरे देश में कोयले की स्थिति है कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 2021 तक आज देश में कोयला के मामला में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता. आज उत्पादन की ये पिछले पंचवर्षीय योजना में 30 करोड़ टन कोयला का लक्ष्य सरकार ने रखा था, लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में मात्र 3.5 करोड़ टन उत्पादन हुआ है. इतना मांग और पूर्ति में अंतर है, जिसके कारण पूरे देश के उद्योग की हालत खराब हो रही है. खासकर जिस प्रदेशों में कोयले का उत्पादन होता है, उन प्रदेशों को कोयला नहीं मिलता, दूसरे प्रदेशों को कोयला जाता है, जिसके कारण जिस प्रदेश में कोयला होता है उनके उद्योग आज बंद होने के कगार पर हो रहे हैं. इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिन प्रदेशों में कोयले का उत्पादन होता है उन प्रदेश के उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर कोयला का आवंटन किया जाए, ताकि वहां के उद्योग ठीक ढंग से चल सके. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, प्रश्न ये है कि जिन राज्यों में कोयले का उत्पादन होता है उनको प्राथमिकता के आधार पर कोल प्रदान किया जाए. मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी नीति में ये प्रायोरिटी है कि जिन स्टेट में कोयले का उत्पादन होता है उन स्टेट को सबसे ज्यादा कोयला दिया जाए. माननीय सदस्य हमारे छत्तीसगढ़ के हैं. छत्तीसगढ़ सरकार को 9 कोल ब्लॉक दिए गए और दिए हुए लगभग 5 से 7 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी कोल ब्लॉक में उत्पादन शुरू नहीं हुआ. इसी तरीके से महाराष्ट्र के माननीय सदस्य हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि 7 कोल ब्लॉक महाराष्ट्र को दिए गए, लेकिन अभी तक उनमें किसी में भी उत्पादन शुरू नहीं हुआ. हमारी प्रायोरिटी रहती है, हमारी कोशिश ये रहती है, हमारी नीति भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा कोयला उन राज्यों को दें जिन राज्यों में कोल प्रॉपर्टीज हैं और जिन राज्यों से कोयले का दोहन किया जाए. दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए. अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि जिन प्रदेशों में कोयले का उत्पादन होता है उन प्रदेशों को दिया जाता है, छत्तीसगढ़ का उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन एक तरफ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को भूख हड़ताल में बैठना पड़े कि वहां के जो कोयला खदान है वहां उनसे मध्य प्रदेश सरकार को वहां के उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर कोयले मिलना चाहिए, लेकिन उनकी मांग अभी तक सुनी नहीं गई है. दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह है कि उत्पादन घट गया, कोयला पिछले वित्तीय वर्ष में 85 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था. 93 ब्लॉक जिसमें 45 सार्वजनिक क्षेत्र 48 निजी क्षेत्र के हैं, इन पर कार्रवाई करने के लिए अब आपने अल्टीमेटम दिया था कि क्यों ना आपका कोल ब्लॉक निरस्त कर दिया जाए. अभी तक उन्होंने उत्पादन नहीं किया, इस पर सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की? माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहला प्रश्न तो हमारे माननीय सदस्य का यह है कि मध्य प्रदेश को कोयला नहीं दिया जाता है या कोयला कम दिया जाता है. मध्य प्रदेश सरकार को भी 10 कोल ब्लॉक आवंटित किए गए. माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक किसी भी कोल ब्लॉक में आज तक प्रोडक्शन नहीं शुरू हुआ. माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनशन किया था और उनका यह कहना था कि मध्य प्रदेश में जितना भी कोयले का उत्पादन हो वो केवल मध्य प्रदेश को ही दिया जाए.
इस तरीके का अनशन या इस तरीके की मांग करना क्या हमारी संवैधानिक भावनाओं के अनुकूल है? इस तरीके की अगर मान लीजिए पंजाब ये कहने लगे कि गेहूं का उत्पादन हमारे प्रदेश में होता है, हम गेहूं पूरे देश को नहीं देंगे, दूसरा राज्य कहने लगे कि हमारे प्रदेश में चावल उत्पादन होता है, हम चावल दूसरे प्रदेश को, माननीय अध्यक्ष जी हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है और जिस राज्य से कोयले का दोहन किया जाता है उसको प्रायोरिटी के आधार पर कोयला दिया जाता है। मैं रिकॉर्ड स्टेट करना चाहती हूँ, अभी अभी जो मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जितना उत्पादन हो सारा हमें दिया जाए, ये गलत है। उन्होंने ये कहा था कि उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा है, हमारी मांग पूरी करके बाकी का दो, और उन्होंने लिखा भी था, वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, उनका पत्र भी मेरे पास है और वो मंत्री जी से भी मिले थे। उन्होंने केवल इतना कहा कि हमारी मांग पूरी करके बाकी बांटो, और उन्होंने लिखा ये राष्ट्रीय संपदा है इसलिए केवल हमारा अधिकार नहीं है पर हमें देकर बाकी हमारी मांग पूरी कर दो बाकी दो, ये कभी नहीं कहा जितना उत्पादन हो उतना हमें दो। माननीय अध्यक्ष जी मैंने पहले ही आपसे कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार की ये मांग कि पहले हमको दो बाद में दूसरे को दो, 10 कोल ब्लॉक मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित किए गए, लगभग 5 वर्ष हो गए उसमें एक भी कोल ब्लॉक में अभी तक प्रोडक्शन नहीं शुरू हुआ है, तो उनकी ये शिकायत का औचित्य क्या है? मेरी यही नहीं समझ में आ रही है।